आराम से बैठो। नया मेहमान आने वाला है। हाँ, बहुत जल्दी आने की घबराहट हो रही होगी ना। फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ है। वही करके आज आई। उसी के आंसू कह सकते हैं हम। तेरा पापा मम्मी को देख के कहा है? चल आराम कर ले, बाहर हो ना। जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ओके है। किसको देख रही है तू? मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज वो दिन आ गया है, सुबह के 6:30 बजे जाना है गोरू को ओटी। और अभी 6 बजे मैं और पायल निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। चाबी वाबी हमने उठा ली है। पायल आ जाओ बेटा, पानी वानी पी लिया? नहीं, पानी पीऊंगी। चलो मैंने शायद भी ले लिया। इतनी जल्दबाजी मत कर, आराम से चल पायल। आराम से बेटा, इतना मत भाग, इतना मत भाग, आराम से चल। आराम शायद ले लिया, कभी भी चटाना पड़ सकता है। तो रात को मैं 2 बजे सोया था और पिछले दिन की नींद बहुत ज्यादा है, यानी कि 2-3 घंटे सोने के बाद दोबारा उठाऊ। मम्मी है, बस 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। कितने टाइम हो गए? हाँ, अभी टाइम हो गया बेटा 5:54। हाँ, मैं तो बीच बीच में उठ भी रही थी खांसी की वजह से, और मैंने फोन ना फुल उस पे रख लिया था, वॉच पे। मैं कभी भी कॉल आ सकता है। बस जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बस ऊपर वाले से दुआ है कि दोनों ठीक ठाक हो। हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोच रखा, लड़का होगा या लड़की होगा, कुछ भी हो, बस दोनों ठीक रहे बिल्कुल। और ना बस ये घड़ी का इंतजार ना हमें पिछले कुछ दिनों से था कि बस वो घड़ी आने वाली है जब हम गोलू के साथ एक बेबी को देखने वाले हैं बहुत ही जल्द। और हमारे घर में बस 1 घंटे के अंदर अंदर नया मेहमान आने वाला है। अभी बच्चों के पूरे 6:30 बजे गोलू चली जाएगी ओटी में। बस पहुंच गया, मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गया 2 मिनट के। तो अभी गोलू फोन कर रही है भाभी को। भाभी कौन सी है? जतिन भाई। हेलो। हाँ भाभी, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। हाँ भाई। हाँ जी, क्या हो रहा है? बस लेके जाने वाले हैं। मेरा बच्चा 2 घंटे पहले आ रहा है। इतनी जल्दी क्यों है? किसको? मेरे बेबी होना था। हाँ। उसका लेट होगा या कैसे होगा मुझे नहीं पता, डिले कर दिया, इसका पहले होगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत जल्दी है। सही है, सही है। बाहर उसको ना थोड़ी जल्दी है, मुझे जाना। मम्मी मैं आ रहा हूँ बाहर। बहुत जल्दी आने की। 6:15 तक ले जाएंगे, 6:30 से पहले। और 11:15 मिनट में बच्चा, और 11:15 का बच्चा, ये रही आधा घंटा। अब वो सिलने विलने में टाइम लगता है ना। हाँ, टेलर होते हैं ना मेरे पास, वो 7 कपड़े सी लेंगे। मैं बाहर हूं तो आप ना पता चले कोई दिखे ना। अब तो डिलीवरी के बाद पैर दबाई बेटा। कोई बात नहीं, दर्द तो अभी भी हो रहे होंगे। क्या कर रही है? अच्छे कपड़े निकाल रही गुरु। पुराने पहनाते हैं ना। हाँ, वो जो पहनाने आपको जो अच्छे लगते हैं पहले। ये इसके सर के लिए। तूने बिल्कुल सर को बांध के रखना है, जैसे बेबी हो जाए हवा लग जाते हैं वो दिक्कत होती है, तो अपने सिर को ऐसे करके जैसे बांधना बांध ली। बाहर तो ठंड है, मैं इसके सोच रही हूँ ये भी देख दू पहनाने के लिए अंदर ना। ठंड है बच्चे के लिए तो ठंड है। तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ हर एक वो पल शेयर करें जो अभी की मोमेंट है सारी, मतलब आपको फील होना चाहिए कि आप भी यहीं पे। चीकू के कपड़े तो देख लो। देख लो भाई, आपको लगता है चीकू इतना छोटा था? देखो पुराने ही बनाएंगे ना पहले, ये चीकू की है। सो गई थी रात को? कहाँ सोई थी? उधर वहाँ पे मम्मा गोलू के साथ सो गई। नहीं नींद आई थी? काम के साथ चली जाऊँ? नहीं अभी नहीं जाऊंगी। एक काम कर, अलग से सो कर, छोड़ के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वगैरह नहीं जाना मुझे। तो अभी अभी गोलू का गला सूख रहा, पानी पीने उसका दिल कर रहा है, डॉक्टर ने मना किया बिल्कुल ही, अब तुझे कुछ भी नहीं पीना। तो कितना पानी पीने का दिल कर रहा है? 1 घूंट पानी पीने का मन कर रहा है। घबराहट हो रही होगी ना? दवाइयां शायद चल रही है ना, उसकी वजह से गला सूख रहा है। रात को इसका सिर दर्द दोबारा हो गया था, तो फिर मैं उस कमरे में जाके लेट गई थी, मैं कहीं डिस्टर्ब ना हो, तो ये सो गई। फिर मैं इधर आके लेटी। टिंट लेके आई इधर से। क्यों? आते ही लगा के बैठेगी ना। अच्छा। तो अच्छी दिखनी चाहिए ना वीडियो में, होश भी नहीं होगा आते हुए। तो नर्स आ चुकी है, बस गोलू को 5 मिनट के अंदर अंदर ओटी लेके जा रहे हैं। और ओटी के बाद बस खुशखबरी है जो आधे घंटे में आपके पास होगी। तो वेट एंड वॉच, और ये जो पल है आप एक एक पल हमारे साथ आपको जीना है। कब कॉपी हो रही है, थोड़ा डर सा लग रहा है। डर क्या? डर तब तक लगेगा जब तक इसको यहाँ से वहाँ तक। हाँ, यहाँ तक, सिर्फ ओटी तक बस, उसके बाद कोई डर नहीं है। उसके बाद खुशी है ही खुशी है। गोलू भैया कांप रही है अभी, थोड़ा डर से लगता ही है। चल कोई बात नहीं, टेंशन में। हाँ, टेंशन की तो कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। पायल तुमने 10 बार समझाया तो था इसको पहले? जा रहा है यहाँ से वहाँ तक का डर है बस। बस पायल ने जितना मुझे समझाया है ना, वो भी लगता समझ आएगी। अभी तक नहीं आई समझ। आएगी, कब आएगी मम्मी? जब पायल जाएगी ना तब मैं उसको समझाऊँ। और जब पायल जाएगी तो पता नहीं साथ होगी नहीं होगी। क्यों, कितना फर्क है हमें क्या पता, अगर थोड़ा फर्क होगा तो फिर देखो। 24 घंटे चल सकता है। मुझे तो 2 घंटे बाद चला दिया था। बस तीसरे दिन तो इनको डिस्चार्ज कर देंगे, घर भेज देंगे। अच्छा, वीरवार है तो ये शनिवार घर चली गई। जब मेरा पहला बेटा हुआ था ना, मैं ऑपरेशन से हुआ था, 2 बजे अंदर गई थी, 2:30 बजे बाहर आई। हटा दो, क्यों? 4:30 बजे उन्होंने बोला था चलो। कंघी है कॉम्बे? नहीं कॉम नहीं लाया, रबड़ रबड़ बांध दे। कॉम बोलो, चोटी बांध, चोटी बांध ले अंदर, वो लगेगी टोपी। फोनी करके नहीं, ये सही है, लिपस्टिक बिंदी भी दे दो अभी। नहीं, ओटी में मेकअप लाऊंगी।
कल से मांग रही है, कल से कल का करा हुआ है, ले ले हो गया नहीं, बस बस चलो चलो नहीं चाहिए, चलो जरा हम आते हैं आप लोग को बोलू, ड्रामे मत कर, खुद चल के जाना बड़ा होता है, मुझे अलग लेके जाओगे यार, मुझे इसको अलग तरीके से लेके जा रहे हैं, मुझे जब रूम से ले गए थे ना इंतजार की जो घड़ी है ना खत्म होने वाली है, बस मैं निकल रही हूँ, तो खुद ही कह रहे खुद ही चलो, वो कह रहे हैं खुद ही चलो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली पेशेंट होती ना आप तो हॉस्पिटल, तो चलो कहाँ जा रही है, ओटी में जा रही हूँ, क्या करना है, वॉक करके आ रही है थोड़ा, डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ बेबी सही है कि नहीं है, और बस उससे रूबरू मिलने जा रही हूँ, कपड़े अभी नहीं लेंगे, कपड़े थोड़ी देर इसको छोड़ा है पहले अंदर, तो वहाँ से छोड़ के वापिस तो मैं तो आऊँगा ना, तुम आ जाना, मैं बाहर बैठा हूँ, मैं तो वही, मैं तो देखो ये भी यहीं लेके आई हूँ चम्मच, छुनछुना भी लाइए बजाने के लिए, बड़ा फास्ट प्रोसीजर है, फटाफट निकलो अंदर, तो अभी टाइम आपको दिख ही रहा है 6:16 हो रहे हैं, सारे गेस करो कितने बजे भी आएगा, 6:26 6:42 7:45 आप एडमिट करेंगे 7:15 बजे, अभी तो इसके वो ड्रिप पे लगेंगे 6:26 10 मिनट बाद ही एक जन अंदर जा सकते हैं, बाय बाय, मैं जल्दी में कल आती हूँ, तेरे साथ ही आ सकती हूँ, कल आती हूँ, मेरे को थोड़ी निकलवा ले अभी, अबे फाइनली लड़की ओटी में प्रस्थान कर गई है, ठीक है गोलू टेंशन नहीं लेनी, ठीक है आप लोग कहाँ मिलोगे सारे, यही अभी यही मिलोगे, हाँ मैं लेके आती हूँ बच्चा, मिलते हैं आपके बच्चे के साथ, तो भैया हम बैठे हैं यहाँ पे और सब आवाज का वेट है और इंतजार की घड़ियाँ शुरू हो गई है, आओ मम्मी चाय बना दूँ, चाय भी नहीं 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 बस, तो नानी बनने की जो खुशी है वो सिर्फ नानी ही जान सकती है, हाँ जी सही बात है, इस दिन का इंतजार था, बहुत इंतजार था, और ये घड़ी आने वाली है बस थोड़ी देर की बात है, अभी वो जो ट्रिप ऊपर से लेके आई ना को पूरा कर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, बस अब जाने वाली है 5-7 मिनट के अंदर, तो बोलू उधर गए हैं, चिकू आ गया, चिकू डांस करोगे, कैसे डांस करोगे, डांस तो करके दिखा दो, चिकू बनने वाला बड़ा भाई, क्या बनने वाले, क्या बात है लड़के, तो यहाँ से दिखाया जाएगा आपका भाई बहन जो भी होगा, आप मम्मी उतर गई है, वहाँ से गई है, हाँ ठीक है, इस गार्ड का ये फायदा होता है, पर पूरी सेफ्टी करी है लड़के ने मेरे फोन के ना बच गया गार्ड, गई मम्मी गई, हाँ जी चली गई मम्मी, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर अंदर ही है, मेरे घर मेहमान आ रहे, सबसे पहले आपकी गोदी में देंगे ठीक है, फिर कोई और पकड़ेगा, मुझे लगा वहाँ से आएगा बच्चा, पर यहाँ से आएगा, लिखा है ओनली मदर एंड फादर अलाउड टू बी मीट बेबी वन बाय वन, पहले मैं चली जाऊंगी मदर, फिर फादर चले जाएगा, ठीक है मैं अंदर भी धमका के आई, मुझे कह रही मैम आप समझाओ ना, आपसे डरती है, सबको पता है मुझसे डरती है, वो लूज ही छोड़ रही थी बॉडी, यूरिन का वो करना था, वो फिर भी नहीं हो पाया, वो अंदर डॉक्टर ही करेगा, तो चीकू बैठा है एंट्री गेट पे जहाँ से उसका छोटा भाई या बहन आने वाली, और ये फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ है, वजह क्या फिंगर क्रॉस करने की, क्योंकि बच्चा है जब भी खोलूंगा, उससे क्या होता है, उससे होता है कि बच्चा आ जाएगा मेरे हाथ में, वह करेगा, मैं अंदर जाके आती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी गई थी, मैं आवाज़ सुन के आती हूँ कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है फिर बताती हूँ आपको, अपडेट करती हूँ, ठीक है मेरे को आवाज़ कोई करके आवाज़ आई, मैं अंदर गई थी कोई करके आवाज़ आई, टाइम 7:10 पे हुआ है अभी, इनको पता नहीं है, नहीं मैं देख के ही हूँ, मैं वहीं खड़ी थी ऐसे, वो जैसे ब्लड कान लगा के पहले भी खड़ गई, आवाज़ नहीं आ रही, पहले गई थी ना मैं तो आवाज़ नहीं आ रही थी, अब की बार एक बात है ऐसे दिखाने से पहले ये बता देंगे हमें ना, हाँ ऐसे बजाई या मम्मी भी जाके आवाज सुनाई है, हाँ रो रही है, रो रही है, आंखों में से आंसू आ रहे खुशी से, गूज़बम्प खड़े हो गए, गूज़बम्प, हाँ सही बात है, ये जो पल है वो आपके साथ शेयर कर, तो मेरे सबने शक्ल देख ली है, और हम बताएंगे भी पर क्या हुआ है हम अभी नहीं बताएंगे, जितना इंतजार हमने किया आपको भी कराएंगे, सही बात है, अंदर से ना बस रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और सब कुछ खुश है, सब इनके पापा इसका कमाल है वो, अच्छा इनका मोमेंट कैप्चर करना चाहिए, इन्होंने ये पहली बार फील कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं अभी आएगा दोबारा, कपड़े कपड़े पहनने दो उसको, सुंदर बनने दो, काम कर मिठाई मिठू तो ले आ कम से कम, हाँ हमें एक और नहीं खुली नहीं होगी दुकान कोई भी, नहीं 7:08 में, हाँ 7:08 पे हमारा भैया जो लल्ला है हमारी लल्ली है वो आ गई है, हैं बच्ची को, हाँ जी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं शाहरुख खान, इसमें तो बेबी लपेटने हैं, अभी नहीं आई वो रिकवरी रूम में आने वाली है, मुझे एंट्री के लिए बुलाया, कैसे बुलाया, ये बेबी पहले यूज कर चुका है, मुझे एंट्री के लिए बुलाया कैसे बुलाया,
कह रही पे डेढ़ घंटे से ना पता नहीं कोई गलत रोड ले ली मैं वहाँ चली गई पटियाला पता नहीं कहाँ तो रो क्यों रही अब वो तो खुशी से रो रही हूँ अब तो ताई ताई बन गए तो मासी बनी हूँ मैं चुप रहे तो सबसे बढ़िया इस घर में है भाई ताई बनी ना पहले मासी बनी गले लगा लड़की को चुप हो जा ये तो अपनी खुशी के आंसू कह सकते हैं हम मैंने फोन किया मैं कहाँ है तू दो नानी एक साथ दो नानी एक साथ बहुत बहुत हम हाँ दादा बन गए हो आप आ जाओ हाँ जी हाँ जी सब अच्छे पापा दोनों ठीक है थैंक यू पापा थैंक यू पापा ठीक है आ जा रात से भी नहीं सोई और कहाँ पर ही थी उस टाइम ना अब ठीक है वो बिल्कुल मजे में नहीं थोड़ा शिवरिंग तो कर रही थी केस से पहले डरी हुई थी बट शी इज कंफर्टेबल नाउ हैप्पी है कह रही थी मुझे बेटी चाहिए बेटा मिल गया मैं कहा कोई बात नहीं क्या पता पायल दे दे नहीं तो हम फिर अगले साल फिर से बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक है ओके ओके मैं डॉक्टर से पूछ रही कि हमें बेबी कब मिलेगा तो डॉक्टर ने बोला 6 घंटे तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे डॉक्टर के पास जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है तो मैम बोल रही है आपका बेबी बिल्कुल निकलते ही फुल रोया है मजेदार रोया एक्टिव अच्छे से रोया आपका बेबी एक्टिव चाहिए मम्मा अब तो खुल गई मिलने की कह रहे हैं पिज्जा मंगा लो चीकू बोला पिज्जा मंगा लो मैं कहा मिठाई चीकू कह रहा है मिठाई तो सब खाते मैं आज पिज्जा खाना चाहता हूँ ना पहले से पेट खराब है भाई मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो क्या अब एक काम कर तू जा यहाँ मत बैठ तू नीचे जो बेड है ना पायल जो उधर वाला उस पे सो जा सेकंड फ्लोर है जो पहले कुछ खा के क्या बॉडी वेट है मैं बाहर जो मिलेगा वो खा लूंगी ऐसा पे जा रहा हूं। मिलते ही खाऊंगी ठीक है तुम मैं देख क्या तूने देखा एक बार देखा मैं वीडियो दिखा दूं तुझे कैसे अरे पूछ मत तेरे जैसे नोना था हाँ अभी हम आराम कर रहे हैं पापा मम्मी को देख के कहा अच्छा मेरे को तो पता चल रहा था जैसे जैसे पेट हो रहा है पता है 7:00 कोई बात नहीं पता है मुझे 7:00 कुछ 8:00 हो गए लड़का हुआ लड़की चाहिए थी कोई बात नहीं दोबारा प्रेग्नेंट हो जाओगी चल ठीक है कोई बात नहीं थैंक यू जी थैंक यू सो मच और ये प्यार आप लोगों का ठीक है तू बिल्कुल ओके है बच्चा भी ओके है बाहर निकलते रोया था पता तुझे सबसे पहले सुने अच्छा जैसी वे आवाज आई है क्या हुआ क्या हुआ चल ठीक है ना तो अब चल आराम कर ले बाहर हो ना सब खुश है सब उछल कूद कर रहे हैं तो गाइस बच्चा बिल्कुल ठीक है आप लोगों की दुआएं हैं जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ओके है और अभी सो रहा है हमारा लोंडा बहुत ही जल्दी हम आपका इसका फेस भी दिखाएंगे आपसे मिलवाएंगे भी हाँ जी क्या कहना चाहते हैं बड़ा भाई बन गया चीकू पूरी सेफ्टी के साथ अंदर जाते हैं क्योंकि अंदर और भी बहुत सारे बच्चे हैं है ना चीकू प्यार से चलेंगे हाथ नहीं लगाना भाई को बिल्कुल सैनिटाइज नहीं होना चलो किसको देख रही है तू किसको देख लिए बेटी ऑन जी ग्रे आई से गुडू चीकू मम्मी बहुत कैसा लग रहा है अच्छा भैया हमारी जो हमारी माता जी है उनके थोड़ी आंसू आ गए क्यों अब तो नानी बन गए हो जाके मिला हो अभी गोलू से मिल के आऊ मैं गोलू रो रही है आपने दिखाया है तो मुझे भी रोना आ गया हर्ब होता है जैसे गोलू हुई थी ऐसे बहुत बड़ा दिन होता है उसके लिए शादी और बच्चा बहुत बड़ा दिन बहुत बड़ा दिन आज एक माँ दूसरी माँ से मिलने जा रही है मिला है होश में हाँ, मैं भी मिला है नींद में आंखें बंद पैर कांप रहे ठंड से मैं क्या कंबल वो शिव बॉडी में वो रहेगा ना अभी नहीं थी से रहेगा ये बात ना बहुत पहले हो गई थी गोलू ने बोला था अगर बच्चा हो या लड़का हो या लड़की कुछ भी हो पर आंखें ना मेरी मम्मी पे जानी चाहिए और आज वही हुआ मम्मी पता चलो देखा अब ये नानी का है ना किसी को नहीं भेजना गोलू के पास वो सो नहीं पा रही है और वो कह रहे जब तक एनेस्थीसिया का असर है ना तब तक इसे दर्द नहीं होगा जब असर खत्म हो जाएगा इसे दर्द होने लग जाएगा तो इसे सोने दो चलते हैं इसको रिलैक्स कर लेना तो भाई यहाँ पे चलिए चाय पार्टी जच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक है अब जाके 2-4 घंटे हम सो सकते हैं भाई जो हुआ बढ़िया हुआ okay, मैं कहा सारे लोग मुझसे पहले देख के आए आप लोग हैं किसी ने नोटिस नहीं किया आंखें मेरे को यही था कि आंखें नोटिस कैसे करेंगे मम्मी वो सो रहा था आंखें बंद थी अच्छा मैं बात कर रही हूँ तब भी उसकी आंखें बंद मैं बात कर रही हूँ मुझे कंटिन्यूस देख रहा है और मेरी बातें सुन रहा है मेरी बातें सुन रहा है मैं उससे बातें कर रही हूँ मामा पास जाना है और जैसे हम लोग आ रहे हैं फिर वहाँ करने लगे ना क्योंकि भाई से मिल लिया कैसा लगा देखो जो टाइम रखा होता है ना वो याद आता है पहले 6 बोला था ना 6 को ही आना था इसे तो आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही अच्छा दिन है बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन
तो आज है हनुमान जयंती, वीरवार अपने साईं बाबा का दिन है और रोजे चल रहे हैं, पूर्णमासी है, मतलब बहुत शुभ दिन है। तो गोलू अभी नीचे रेस्ट कर रही है, रिकवरी रूम में रहेगी वो 2-3 घंटे, और बेबी भी हमें बहुत थोड़ा लेट मिलेगा, 1-1.5 बजे मिलेगा। तब तक मैं और हनुमान जी जा रहे हैं घर पे रेस्ट करने, क्योंकि हम लोग 3 बजे सोए थे और 6 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, तो थोड़ा रेस्ट हमारा भी हो जाएगा। आप जाओ सारे, पहली बात तो पायल का ध्यान रखो, क्योंकि पायल बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको लेके जाओ। और लक्ष्य आप इसका ध्यान रखना, और हमने ध्यान रख लिया। हाँ, अब 9 महीने आपने ध्यान रखा है, मैं रखूंगी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई आज, कल ना यार मेरी तो साथ में सो रही थी ना, पता लग रहा था ना खांसी वासी। खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ गए।